दोस्ती की सही मिसाल देख लो भाई लोग। वाह क्या जा रहे हैं, बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं फतेहपुर सीकरी, ये फोर्ट एस का एंट्रेंस है। क्या बड़ा गेट है यार। तो पीपल ये बसेस हैं फतेहपुर सीकरी जाने के लिए, दीस आर द गवर्नमेंट बसेस आर देयर। सो इसमें हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं अभी कहाँ तक, क्या क्या देखते हैं। ये है फतेहपुर का बुलंद दरवाज़ा गाइस, बहुत धूप है, पड़ी थी गर्मी नहीं है फिर भी अभी लगने शुरू होगी पता नहीं, हाँ इसलिए। सो ये है बुलंद दरवाज़ा सामने, बहुत बड़ा है यार, ये जबरदस्त है। मार्बल की दरगाह देख रहे हैं ना, ये सामने वाला व्हाइट मार्बल, सामने वाला व्हाइट मार्बल की दरगाह है। अच्छा। गुरु की दरगाह है सलीम चिश्ती की, जिनकी दुआओं से अकबर को बेटा मिला। अच्छा। को जब बेटा मिला तो दरगाह बनाया लाल पत्थर में, लेकिन जब जहांगीर को मालूम हुआ मेरा जन्म बाबा की दुआ आशीर्वाद से हुआ है, इसको व्हाइट मार्बल में चेंज करा, अकबर बादशाह को यहाँ से बेटा मिला सलीम चिश्ती की दुआओं की वजह से। इसी खुशी में अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी को बनाया, 12 साल में बनकर तैयार हुआ, 1570 में बनाना शुरू किया, 1582 में कम्प्लीट किया। मैं थोड़ा सा आपका क्लियर कर देता हूँ, मस्जिद और जामा मस्जिद में थोड़ा सा फर्क होता है मैडम। ओ मस्जिद उसे कहते हैं जहाँ पर 5 टाइम्स की प्रेयर होती है पर डे, लेकिन जहाँ स्पेशली फ्राइडे की प्रेयर होती है, बाकी की और भी हो सकती है लेकिन स्पेशली फ्राइडे की प्रेयर होती है उसको जामा मस्जिद कहा जाता है। अच्छा। जैसे आपने ताजमहल के अंदर देखा होगा कि फ्राइडे की नमाज होती है तो उसको मस्जिद नहीं कहेंगे, उसको जामा मस्जिद कहेंगे। होता ये सामने वाला जो आप देख रहे हैं ना, हाँ। का फेमस गेट है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा ऊंचाई से है दरवाजा माना होता है गेट। इसका हाइट ऑन रोड से 176 मीटर और प्लेटफॉर्म से 134 फीट। इसके फ्रंट में जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना 52 स्टेप है। ये दरवाजा होता था लोकल पब्लिक एंट्रेंस के लिए, आम जनता आती थी यहाँ से और यहाँ से रॉयल फैमिली जाती थी। ओ अच्छा, यहाँ से छोटे वाले से रॉयल फैमिली। तो बुलंद का मतलब यहाँ मतलब हो गया ऊंचाई, ऊंचा वाला। और इसमें भी थोड़ा सा वो है सर, बुलंद आपको दरवाजा हर कहीं मिलेगा हाँ। लेकिन ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट गेट है सर, ये अच्छा वर्ल्ड का टॉलेस्ट गेट है और एशिया का हाईएस्ट टॉलेस्ट इन मेजरमेंट लेट ये छोटा छोटा डूम देख रहे हैं ना आप लोग, टोटल 84 है। उस जमाने में लाइट वगैरह नहीं होता था, मशाल जलाकर पूरे पे लाइटिंग किया जाता था, इसको चमकाया जाता था। ओह नाइस, हाँ अब समझा। तो गाइस ये आप देख रहे हो छोटे छोटे शॉप्स हैं यहाँ पे, 84 शॉप्स हैं छोटे छोटे। ये देखो जैसे ये है वो है वो, इसको उस टाइम पे मीना बाजार बोलते थे। हाँ यहाँ पे नंबर्स भी है गाइस, ये देखो तो इसको मीना बाजार बोलते थे। सलीम चिश्ती है फैमिली में, तो उनकी समाधि है। और वो जो अंदर देखेंगे ना, मैं वहाँ से दिखाऊंगा आपको, वो लेडीज़ के लिए होती समाधि है वहाँ पे। अभी हम लोग फतेहपुर सीकरी देख के आए वापस, यार बहुत बड़ा है, हम लोग पूरा घूम नहीं पाए, आधे में थक गए हम लोग, तो आधे में वापस आए। और ऊपर से उनकी बस सर्विसेज हैं, जैसे आपने देखा कि बस सर्विसेज हैं वहाँ पे, बसेस में लेके जाते हैं, हमने एक गाइड कर लिया था। और उसके बाद ज़्यादा तो नहीं देख पाए, थोड़ा बहुत जितना मेन मेन चीज़ देख के हम लोग वापस आए, क्योंकि हम लोग टाइम भी कम है। और हमको ये भैया कल से हमको घुमा रहे हैं, सो क्या भैया नाम कैसा होता है, सोमेश भैया, ये इनकी कैब है, बहुत रीजनेबल रेट से अगर आप आगरा आ रहे हैं इनको कांटेक्ट करिए, मैं इनका नंबर दे दूंगा आपको वीडियो में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रीजनेबल रेट में बहुत अच्छे से घुमाते हैं और इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है। सो मज़ा आ रहा है, सो फार सो गुड। सो अभी इतने थक गए हैं, अभी जो हमारा पूरा दिन का प्लान था आई बिलीव वो हमने थोड़ा सा कैंसिल करें और
देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं उसका। फर्स्ट अभी थोड़ा देर यहाँ से 1 आवर आगरा लगने वाला है, वहाँ पे जाके पहले हम लंच करेंगे एंड उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लान है। सो सी यू इन अ बिट, दैट्स अ अपडेट, आगे चलते हैं। मज़ा आया ना कागे पे, भैया को इंतजार करने मज़ा आया। चलो सो हम लोग पहुँच चुके हैं अजमतउद्दौला, अभी अंदर चलते हैं। सो गाइस ये और एक आई थिंक ये पार्क जैसा दिख रहा है हम लोग को, ये देखिए सराउंडिंग्स सो ब्यूटीफुल। अभी यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या, बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। नाउ वी आर ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर और यहाँ पे ये वो सामने है मस्जिद और ये जो उसके गेट्स है यहाँ पे ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर और हम लोग वो उधर से आए हैं। अभी थोड़े दिन पहले बारिश में पानी पूरा नीचे यहाँ तक आ गया था, वो देख रहे हो जो हमको पता चला है, बट ब्यूटिफुल प्लेस। और यहाँ पे अंडर ग्राउंड स्टेयरकेस भी है, ये पता नहीं कहाँ जाते हैं। खुफिया रास्ता, आपको किसने बताया बेटा खुफिया रास्ता? अच्छा बट ये है एक और जगह आगरा में घूमने लायक, आप आ सकते हो और यहाँ पे आके पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हो। चलते हैं। क्या बात है, सही जा रहे हो साइकिल पे, क्या लेके जा रहे हो, ले लद्दाख जा रहे हो क्या? नहीं इतना सामान लेके परी, हाउज इट राइड ऑफ इलेक्ट्रिक रिक्शा ई रिक्शा। गाइस ये देखो बैक साइड ऑफ ताजमहल, क्वाइट अ ब्यूटीफुल प्लेस। आज वहाँ पे जाके हमने देखा, आज यहाँ से देख रहे हैं। सो दोस्तों ये है जो आप ये सामने देख रहे हो, इसको बोलते हैं ब्लैक ताजमहल या काला ताजमहल, जो शाहजहाँ ने अपने लिए बनाने की कोशिश की थी बट ये पूरा हो नहीं पाया या बन नहीं पाया। इतनी सी हिस्ट्री मुझे मालूम है इसकी, यहाँ पे अभी पता चली है मेरे को। और ये जो है गार्डन जो है उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। जो बेस्ट पार्ट है इस जगह की ये देखिए ताजमहल। कहा यह जाता है कि उन्होंने सामने जो मकबरा है उसके सामने ही ये अपना बनाना चाह रहे थे, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। ये बीच में जो इस जगह को डिवाइड करती है ये है यमुना रिवर। बट क्या खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखो वाओ द मैजेस्टिक ताजमहल। व्यूअर्स आपके लिए आई होप यू आर लाइकिंग इट। एक्चुअली जहाँ पे हम लोग गए थे जो ब्लैक ताजमहल था उसका नाम मेहताब बाग है, जगह का नेम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो अभी मेरे को पता चला उस जगह का नाम मेहताब बाग है। सो आई एम नॉट श्योर आपको इस जगह के बारे में मालूम है कि नहीं ज़्यादा, बट मैंने तो ऐसे नहीं सुना था इसलिए मैंने बताया, सबके साथ शेयर कर लेते हैं। सो राइट नाउ इट्स 1 o'clock, टाइम टू गेट आवर लंच, उसके बाद देखते हैं। अभी हम हैं बीप करके एक रेस्टोरेंट है यहाँ आगरा में, वहाँ पे थोड़ा सा चिल आउट कर रहे हैं। चिल आउट इन द सेंस की बहुत धूप है यार, बाहर धूप मतलब गर्मी है, अब भूख बहुत लग गई थी। सो हम लोग अभी लंच के लिए रुके,
एंड देन आफ्टर दैट छोटी मोटी शॉपिंग करके देन गेट बैक टू द रेलवे स्टेशन टू कैच आवर ट्रेन अगेन वंदे भारत टू भोपाल. और यहाँ के एम्बुलेंस बहुत तगड़े हैं भाई. एक मिनट आपको दिखाता हूँ. ये देखो सही जगह है, रूफ टॉप पे है. एंड हम खा रहे हैं सोया चाप विच इज़ वेरी टेस्टी. और हमने कुछ कुछ और ऑर्डर किया, मैं आपको दिखाता रहूँगा. ठीक है, अभी मज़े लो यार. कैसा दिख रहा है बताओ मेरे को. ये गाइस दानेदार लहसुनी मुर्ग एंड प्लस ये गार्लिक नान. ऐसा है चिकन एंड गार्लिक नान एंड प्लस सम अनियंस. चलो इस वादियों के साथ खाते हैं. होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये वादियों के साथ. वादिया तो नहीं है पर ऐसा है यहाँ का रूफ टॉप. सो गाइस दिस इज द रेस्टोरेंट. ये आगरा में बीप रेस्टोरेंट करके नाम है. वेरी नाइस रेस्टोरेंट एंड ऑल, वेरी नाइस एम्बियंस. यू कैन सी दैट ये इनका बार है. ऊपर जॉनी वॉकर अंकल है. एंड लुक एट दिस, नाइस राइट. शाम को यहाँ बड़ा मज़ा आता होगा. और हम लोग इनमें इन बैरल्स टाइप बनाया हुआ है, इनमें बैठे हुए थे. एंड यहाँ आई बिलीव यहाँ पे डीजे नाइट वगैरह होता है. तो नाइस एम्बियंस. पर ही हाउ इज इट, डू यू लाइक इट? सो ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस. ये मेरे को मुंबई पुणे का याद दिलाया यहाँ पे. एनीवेज यहाँ से चलते हैं एंड आई विल सी यू इन अ बिट. वी हैव टू कैच अ ट्रेन टुवर्ड्स भोपाल. So guys, we have boarded the train and from Agra towards Bhopal. मजा आया आपको? ये तो थक गई है पूरी. So finally we have boarded and train थोड़ी late चल रही है, 15 minutes late. So let's see अभी हम लोग कब पहुँचेंगे. And चलो आगे चलते हैं. That was the update.